हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान सिद्दीकी और आप सब कैसे हैं। ये हमारे साथ, क्या नाम भाई आपका? जीशान। जीशान, ये सामने इसका घर है भाई का, और ये बता रहे थे यहाँ के हालात क्या हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरी बस्ती तोड़ दी गई इधर की, जो रेलवे की करीब थी, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ लोग को प्लाट मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है, जिनका ये कॉल डाल दी है। कितने इधर वायर डाला जा चुका है? सत्ताईस तारीख का हमारा बदलाया। अच्छा, 27 तारीख का बदलाया, इसी 27 को? हाँ। 27 को नहीं तो 29 को आपका तोड़ा ही जाएगा। 27 का हो रहा है, टूटने का देखो क्या होता है, ना टूटे तो ही बेहतर है। बाकी कहीं भी तोड़े, बस रहने की सर छुपाने की जगह दे दीजिए बस। बहुत ही मुश्किल हालात हैं, ये देख सकते हैं इधर काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। ये बुलडोजर वगैरह खड़ी हैं, क्रेन वगैरह। और सामने मंडी का एरिया है पूरा। अच्छा, ये सामने पुल है, आइए वापस चलते हैं। हाँ, न्यू आरिफ नगर में आता ना? है न्यू आरिफ नगर में आता ना? ये न्यू आरिफ नगर है, ये अन्नू नगर है ना? हाँ, ये अच्छा, ये न्यू आरिफ नगर है, ये अन्नू नगर है। इधर कभी पूरा तोड़ दिया गया। सबको मिल चुकी है, आधों को नहीं मिली है। अन्नू नगर में बहुत से लोग को नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, अनिवार्य नगर वाले सबको मिला है, सबको मिल जाए यार। पता नहीं जैसे तैसे करके इधर मकान बनाया था, वो भी तोड़ दिया गया। लेकिन ओके भाई, ये छोटू आ रहा है। बाकी कभी रेलवे ट्रैक के किनारे मकान नहीं बनाने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज नहीं तो कल तो उसको टूटना ही टूटना है। अब बहुत ही परेशानी होती है, नई जगह, नया घर, सब कुछ करना कोई आसान बात नहीं होती है। बाकी हमेशा अपने देख के रखें, जहाँ भी ज़मीन लें या किसी से भी लें या कहीं भी घर बनाएं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि रेलवे पटरी से या रेलवे किनारे कभी किसी से मकान ना लें, और ना ही कभी किसी से ज़मीन लें, ना ही बनाएं। हमेशा सुरक्षित जगह देखें जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, कोई परेशानी ना हो। ये देख सकते हैं आप, और सब कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे। और आपकी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कुछ अगर पूछना हो तो मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।